जिले के 114 बिहार पुलिस के सिपाही अब एएसआई बनेंगे। 6 माह के प्रशिक्षण के पश्चात 11 और 12 जनवरी को उनके लिखित परीक्षा महोदय स्थित पुलिस केंद्र में आयोजित की गई। बिहार पुलिस अकादमी के द्वारा एकीकृत परीक्षा पूरे राज्य में संपन्न कराई गई। जिले में भी परीक्षा कदाचार मुक्त वातावरण में सघन निगरानी के बीच सम्पन्न हुई। परीक्षा में सभी परीक्षार्थी सफल हुए। सभी सफल परीक्षार्थी 15 से 17 जनवरी के बीच डिहरी स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 2 के कमांडेंट लिपि सिंह के निर्देशन में फायरिंग का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए प्रभारी एसपी अशफाक अंसारी ने बताया कि प्रशिक्षण समाप्त होने के कगार पर है। कल उन लोगों का संतरण परीक्षा हुआ, संपन्न हुआ, शांतिपूर्वक हो गया। 114 प्रशिक्षु थे जो हमारे ही जिला बल के सिपाही थे। पुलिस केंद्र में उनका प्रशिक्षण चल रहा था। मैं उनका नोडल पदाधिकारी हूँ, नामित हूँ, और परीक्षा संपन्न हो गया। अब बाह विषय का परीक्षा सिर्फ रह गया है। बक्सर जिला बल के हैं तो बक्सर ही में रहेंगे। फिर वो जो क्षेत्र में अगर पूरा कर लिए होंगे वो क्षेत्रादेश के तहत, तो लोग जिला से बाहर भी जा सकते हैं। अभी प्रक्रिया स्थानांतरण की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है, उसके तहत तो अगर वो आ जाएंगे कि 3 साल या उससे ऊपर हो गया होगा तो उनका प्रशिक्षण किया। पहले वो सिपाही थे, अब वो पदाधिकारी बनेंगे, तो उनको आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और के साथ साथ माइनर एक्ट बताया जाता है। कैसे हम पुलिसिंग करेंगे, केस का अनुसंधान कैसे करेंगे, कौन सी घटना होगी तो उसमें क्या देखेंगे, इन सारी बातों को हम लोगों ने भी क्लास लिया। उन लोगों को प्रशिक्षण में बेसिकली हमारा पुलिस के जो पदाधिकारी हैं वही उनको प्रशिक्षित करते हैं, अपनी तजुर्बा शेयर करते हैं, जो हम लोग पढ़े हैं उसको पढ़ाते हैं।